दस सर वाला रावण नहीं है, दस शिलों वाला बुद्ध है। दस शिल जो बुद्ध ने हमें दिए हैं, ये उन दस शिलों को जलाते हैं। इनका रावण से कोई दुश्मनी नहीं है, इनको राम से कोई प्यार नहीं है, क्योंकि ये कभी थे ही नहीं। और ये काल्पनिक लोगों को इसलिए पूज रहे हैं ताकि असली इतिहास भारत के लोगों को ना पता चले। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजरत्न अम्बेडकर जी। परिचय के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आज एक बिल्कुल अलग अवतार में दिख रहे हैं सर आप। इससे पहले जब भी हमने आपको देखा, आप फॉर्मल्स में दिखे हैं। आज अशोक विजयदशमी है और पहले भी जब हमने इस दिन पर बात की थी, आज ये विशेष जो आपने चीवर धारण कर रखा है, इसका कारण क्या है? पहले तो ये बताइए। कारण ये है कि हम हर साल अशोक विजयदशमी मनाते हैं, दीक्षा भूमि में जाते हैं और बाबा साहब को नमन करके वहाँ से लौट आते हैं। कहीं ना कहीं हम सिर्फ बाबा साहब के किए हुए कामों को अभिवादन कर रहे हैं, हम अनुकरण नहीं कर रहे। और हमें ये पूरी व्यवस्था, ब्राह्मणीवादी व्यवस्था, हमें बाबा साहब का भक्त बनाने पर तुली हुई है कि आप सिर्फ बाबा साहब की भक्ति करो, कैंडल लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, माथा टेको, जयंती मनाओ और बस भूल जाओ। तो हम आज यहाँ से मैसेज दे रहे, मैं दीक्षा भूमि से यहाँ पर आया हूँ। दीक्षा भूमि में जो काम बाबा साहब ने किया, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, हम उसके और एक स्टेप आगे जाकर शामनेर बनकर मैं भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करूँगा। इस डेडिकेशन के लिए मैं 30 दिन के लिए श्रामनेर बना हूँ और सिर्फ श्रामनेर बन के एक जगह पर नहीं रहूँगा। वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट की 30th कॉन्फ्रेंस है जिसमें 128 कंट्रीज के बुद्धिस्ट आएंगे, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ और वहाँ पर भारत में किस तरह से बुद्धिज़्म को रिवाइव कर सकते हैं, भारत में क्या क्या बौद्धों की परेशानियाँ हैं, ये वहाँ के बौद्ध देशों को बताऊँगा। क्योंकि हुआ क्या है, भारत के बाहर जो बौद्ध भिक्कू जाते हैं, ये सारे के सारे मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, RSS के छोड़े हुए लोग हैं, वो भारत के बौद्धों की भूमिका वहाँ नहीं रखते। और इसलिए मैंने विचार किया कि इस साल 18 अक्टूबर को ये वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का कॉन्फ्रेंस है, अगर उस कॉन्फ्रेंस में हमें बुलाया गया है तो भारत के बौद्धों की भूमिका वहाँ पर स्पष्ट किया जाए। और ये जो लोग घुसपैठ हैं, ये जो ये प्रधानमंत्री खुद को बुद्धिस्ट कहते हैं, योगी खुद अपने आप को बौद्ध मॉन्क कहता है, इनका असली चरित्र क्या है, ये विश्व के सामने लेकर आए। इसलिए मैंने ये विचार किया और चीवर धारण करके श्रामनेर लाइफ में हम ये सारे प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करके बाबा साहब का जो बुद्धिस्ट मिशन है वो भारत में चलाने के लिए मैंने ये श्रामनेर दीक्षा ग्रहण किया। आज यहाँ अम्बेडकर भवन से 10,000 लोगों का जो लक्ष्य था, उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उससे जुड़े। ये पहली बार ऐसा है जब एक साथ लोग अपनी मर्जी से इस तादाद में आ रहे हैं, कैसा लगा सर ये देखकर आपने? जी, ये परिणाम है कलेक्टिव एफर्ट्स का। हम इंडिविजुअली ये काम नहीं कर सकते, ये हम लोगों को समझ जाना चाहिए। हम लोग अलग अलग संगठन बनाते हैं और बस उस संगठन के माध्यम से ही काम करते हैं। आज जय भीम मिशन हो, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो, राजेंद्र पाल गौतम जी कंटिन्यूसली इस मिशन के लेकर मीटिंग्स हो रही है, मैं भी कंटिन्यूसली मीटिंग कर रहा हूँ, चाहे वो साउथ हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, वहाँ पर मेरी लगातार मीटिंगें चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, यूपी में चल रही है। और लोगों को हम हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और आज उसका एक छोटा सा टेस्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि 10,000 लोगों का टारगेट किया था हम लोगों ने, और रजिस्टर्ड ये सारे लोग जो आए हैं, ये रजिस्टर्ड लोग हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है। जितने भी लोगों ने यहाँ से दीक्षा ली है, सबके सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सर्टिफिकेट्स इनको इशू किए जाएंगे। ये आज जो देखने मिला कि दो संगठनाएँ अगर एक होकर काम करती है तो इतना बड़ा रिजल्ट मिलता है। हमारे 10,00,000 संगठनाएं आज, सोचो, दो संगठन एक आए, जय भीम मिशन और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये दोनों एक हो गए तो ये इतना बड़ा परिवर्तन देखने मिला। सोचो, जिस दिन 10,00,000 संगठन और उनके नेतागण, उनके पदाधिकारी, उनके अध्यक्ष अगर एक मंच पे आए तो हमें 5 करोड़ नहीं, 10 करोड़ का आंकड़ा हम इस देश में बौद्ध धर्म की दीक्षा का हासिल कर पाएंगे। लेकिन सर, रामदास अठावले जी का कहना है कि बाबा साहेब जो थे वो बौद्ध धर्म अपनाना ही नहीं चाहते थे। देखिए, रामदास अठावले जी जो है वो सही काम कर रहे हैं। वो जिसके लिए उनको गुलामी के लिए रखा गया है, वो उनकी गुलामी सही कर रहे हैं। वो उनका पक्ष, उनका काम ईमानदारी से कर रहे हैं। वो हिंदुओं के तलवे चाटने का काम, RSS का तलवे चाटने का काम, प्रधानमंत्री के तलवे चाटने का काम पूरे ईमानदारी से कर रहे हैं और इसलिए वो हिंदू धर्म में ही मरेंगे। उनकी हालत आज कुत्ते जैसी हो गई है। वो कुत्ते जैसे वो PM के पीछे पीछे दुम हिलाते हुए घूमते रहते हैं। इसलिए ऐसे थर्ड क्लास आदमी के ऊपर हम कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते।
सर, क्या कारण लगता है आपको कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हिंदू धर्म को छोड़कर अब बौद्ध धर्म की ओर वापसी कर रहे हैं? एक तो ज्ञान का अभाव जो लोगों में पहले नहीं था, अब लोगों तक ये ज्ञान पहुंच रहा है, इसके अलावा भी कोई कारण आपको लगता है जिसकी वजह से लोग हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं? देखिए, इस देश में हिंदुओं को अगर मूछ रखने पर मारा जाता है, पानी के घड़े को हाथ लगाने पर मारा जाता है, किसी बच्चे किसी व्यक्ति को घोड़ी चरने पर मारा जाता है, ऐसे लोग हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म एक पॉलिटिकल सेटलमेंट है। खुद नरेंद्र मोदी का स्पीच है, इंटरव्यू है, अगर आप लोग रिकॉर्ड निकाल के देख लो, वो खुद कहते हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, जो है वो है ब्राह्मण धर्म, जो है वो है सनातन धर्म। ये हिंदू इनकी पॉलिटिकल सेटलमेंट है, वो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को पॉलिटिकल वोट्स के लिए हिंदू बनाते हैं। अगर हिंदू बना रहे हो तो हिंदू वो राइट्स क्यों नहीं देना चाहते? तो इसलिए इस देश में हिंदू कोई नहीं है, और ये बात एससी एसटी ओबीसी के लोग समझ रहे हैं कि अगर हम हिंदू होते तो मुझे स्कूल में बैठने का अधिकार होता, अगर हम हिंदू होते तो मुझे पानी के घड़े को हाथ लगाने का अधिकार होता, अगर हम हिंदू होते तो मूछ रखने का अधिकार होता। अब लोग समझ रहे हैं या तो वो हिंदू नहीं है या हम हिंदू नहीं है, और इसलिए आज ये लोग बड़ी तादाद में हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं और अपने पुराने धम्म में वापस आ रहे हैं। अपने अधिकारों की बात की तो आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि इस देश में एक संगठन ऐसा भी है जो आज के दिन शस्त्रों की पूजा करता है और ये अधिकार उन्हें मिला हुआ है, वो शस्त्रों की पूजा करते हैं खुलेआम? देखिए, सबसे पहली बात तो जो लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं, मैं आपको एक साधारण तर्क देना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के घर में चाकू भी मिल जाए, तलवार भी मिल जाए, तो उसको पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है, उसे टेररिस्ट घोषित करती है। अब सोचिए, जिस संगठन के पास इतने सारे तलवारें हैं, बम है, पिस्तूल है, इतने सारे चॉपर्स है, और ये सारे वेपन्स, इन शस्त्रों की आज वो विधिवत पूजा करते हैं। आज कौन सा दिन है? आज के दिन सम्राट अशोक ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए और बौद्ध धर्म की शरण ले ली, और ये आज ही के दिन काउंटर करने को शस्त्रों की पूजा करते हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है शस्त्रों से, शस्त्रों को इसलिए पूजते हैं ताकि वो सम्राट अशोक की धम्म क्रांति, बाबा साहब की धम्म क्रांति इस देश में खड़ी ना होने दे, इसलिए ये काउंटर करते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस देश का होम मिनिस्टर अगर सही में मर्द है तो वो आरएसएस को बैन करके दिखाए, जैसे वो पीएफ को, पीएफआई को बैन करता है। अगर पीएफआई के पास कोई बम है, कोई बारूद है, कोई गोली है, कोई चाकू है, तो उसको आप बैन कर रहे हो, तो इतने बड़े तादाद में ये सारे हथियार के पूजा होम मिनिस्टर करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, आरएसएस का मोहन भागवत करता है, इसको बैन करने का कदम इस देश का होम मिनिस्टर क्यों नहीं उठाता? ये हम लोगों का सवाल इस देश के होम मिनिस्टर को है। एक आखिरी सवाल कि एक तरफ आप चीवर धारण करके बौद्ध धर्म से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के बौद्धों की समस्या को विश्व स्तर पर उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र का सपना दिखा रहा है लोगों को कि जल्दी ही भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है और भगवा लहरा सकता है। देखिए, हिंदू राष्ट्र का इनका जो सपना है वो इस देश में कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए, अगर इस देश में किसी को खालिस्तान की मांग करते हुए आप देखते हो तो उसे हम देशद्रोही कहते हैं कि वो खालिस्तानी है, खालिस्तानी देशद्रोही है। अभी 2047 में उन्होंने दावा किया कि पीएफआई इस देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने की तैयारी कर रही है, इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रही है। अगर कोई इंसान इस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है तो वो देशद्रोही है, अगर कोई इंसान इस देश को खालिस्तान बनाना चाहता है तो वो भी देशद्रोही है, तो उसी तरह से इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो वो भी देशद्रोही है। और इसलिए हिंदू राष्ट्र ये इस देश के संविधान के खिलाफ है, इस देश के खिलाफ है। हर कोई इंसान जो हिंदू राष्ट्र का सपना देखता है वो देशद्रोही है। बौद्ध धर्म को इस देश में पूरी तरह से दबाया जा रहा है। सोचिए, जिस धर्म के बारे में ना कोई टीवी चैनल दिखाता है, ना कोई सिलेबस पढ़ाता है, ना कोई स्कूल में बुद्ध की बात होती है, उसी देश में आज बुद्ध को मानने वाले इतने लोग आपको मिलते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है कि जिस धर्म को मिटाने की कोशिश पूरी व्यवस्था करती है वो धर्म मिटने को तैयार नहीं है। 2500 सालों से वो आज भी, उसके जो रूट्स है वो आज भी हरे है, सिर्फ इसको पानी डालने की जरूरत है। ये धर्म इस देश में पीपल की वृक्ष की तरह फिर से हरा भरा हो जाएगा, सिर्फ हम जैसे लोग इस धम्म के पेड़ को, रूट्स को पानी डालने की जरूरत है। हम तो राम को ही काल्पनिक मानते हैं। अच्छा। तो रावण भी काल्पनिक है। ये केवल
काउंटर रिवॉल्यूशन इस देश में चल रहा है। जो सम्राट अशोक ने आज का काम किया है वो लोगों को पता ना चले, इसलिए वो रावण को जलाते हैं। रावण को 10 सर है, 10 सर वाला कहीं आदमी देखा है पूरे वर्ल्ड में? कहीं नहीं होता, विश्व में नहीं है। ये 10 सर क्या है? ये सम्राट अशोक ने जो 10 सील आज यहाँ पर बुद्ध के 10 सील को अपनाया है, ये उस 10 सीलों को जलाते हैं, 10 सरों को नहीं जलाते। 10 सर वाला रावण नहीं है, 10 सीलों वाला बुद्ध है। 10 सील जो बुद्ध ने हमें दिए है ये उन 10 सीलों को जलाते हैं। इनका रावण से कोई दुश्मनी नहीं है, इनको राम से कोई प्यार नहीं है, क्योंकि ये कभी थे ही नहीं। और ये काल्पनिक लोगों को इसलिए पूज रहे हैं ताकि असली इतिहास भारत के लोगों को ना पता चले।